तो ये पांचवी बार अमरजीत भगत जीतेंगे ये तय है। आपके सौ बात का एक बात है, उनका चल नहीं रहा है। और दूसरा चीज ये है कि यहाँ पे सोनोग्राफी है ना, एक्सरे है ना, कुछ नहीं है। मानते इस चीज को एकदम, मानते हैं 100% मानते हैं। अस्पताल में कोई सुधार नहीं है। छत्तीसगढ़ में, बीजेपी को छत्तीसगढ़ में ऐसा एक जगह है जहाँ सीतापुर विधानसभा सबसे गंदा, जो यहाँ पास सबसे ज्यादा नेतागिरी होता है। लेकिन कभी जिंदगी में यहाँ पास कभी रोड ना अच्छा, कोई सड़क ना गली कहीं नहीं बना, ना बिजली की व्यवस्था, ना पानी, कुछ भी नहीं है, है ना। तो ये अमरजीत भी आया लेकिन क्या किया, मंत्री भी बन गया, क्या किया, कुछ नहीं। ये इलेक्शन का टाइम है, अब इसमें हम कह नहीं सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। वैसे उनकी जो लहर है वो बहुत अच्छी खासी चल रही है। और अरे देहात लोगों को कभी बढ़िया करते हैं कभी नहीं करते हैं, देहाती देहात का समझ जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम चुनावी गोट, और मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। चुनावी गोट का ये सफ़र सरगुजा संभाग के सीतापुर में आ पहुंचा है, और सीतापुर वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, जिसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहां से लगातार चार बार अमरजीत भगत, जो कि अभी वर्तमान में खाद्य मंत्री संस्कृति मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो यहाँ से चुनाव जीतते आए हैं। सीतापुर मैन पार्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो कि छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। और यहाँ की जनता क्या कुछ कहती है, इस बार चुनावी मुद्दे क्या कुछ होंगे, हम सीतापुर में इस समय मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस समय यहाँ का चुनावी तापमान क्या है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मतलू आलम जी। इस बार बताइए चुनावी माहौल क्या, चार बार के विधायक रह चुके हैं, अब वर्तमान में मंत्री भी हैं, कितना काम हो पाया सीतापुर में, जो अपेक्षा थी इस एरिया को, इस क्षेत्र को, क्या उस पर खरा उतर पाई है आपके विधायक जी? इस बार हमारे जो कांग्रेस के उम्मीदवार अमरजीत भगत हैं, वो अभी पांचवी बार मतलब पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। और ये सीतापुर का जो नहीं चाहते थे जनता, उससे ज़्यादा विकास हुआ है। और हर जगह रोड, सड़क, पूरा नाली, पानी का समस्या सब दूर कर दिए हैं, पानी बिजली सब दूर हो गया है इस बार। और वो जो उनके जैसे मिलनसार नहीं है। और हमारे ये कहना है कि सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में आज तक बीजेपी ने अपना जीत का मजा नहीं चखा है। हाँ, तो ये पांचवी बार अमरजीत भगत जीतेंगे ये तय है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे सड़कें अच्छी है, हर चीज़, तो इस बार क्या उम्मीद है आगे के समय में, अगर पांचवी बार जीतते हैं वो, तो इस बार क्या उम्मीद रहेगी सीतापुर की जनता को, क्या कुछ होगा उनसे उम्मीद बढ़? जो उन उम्मीद रखते हैं वो उम्मीद में खरा उतरते हैं। और जो काम मतलब अमरजीत ने किया वो कोई नहीं कर सकता है। अभी कल आज से यहाँ के जो सड़कें जो बरसात में ख़राब हुई है, ये आज से काम चालू होने वाली है। और इस यहाँ से अगल बगल जो भी गाँव जाइए, यहाँ से चले जाइए आप मूर्ता सहनपुर बटेकला, इधर से हरामार कोटशाल जाइए, यहाँ से आप कहीं जाइए, सब जगह रोड का जाल बिछी हुई है। खाद्य मंत्री है, इधर क्या हाल है ये ज़रा बताइए, चूँकि खाद्य मंत्री संस्कृति मंत्री काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो उनके कामकाज को लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, उनका कामकाज तो एक नंबर है अभी जी, और आने वाले समय के लिए वही आ रहे हैं। हाँ, यहाँ वैसे बीजेपी में वैसा कोई कैंडिडेट है नहीं कि उनका कोई टक्कर ले पाए, और हमारे लिए तो व्यक्तिगत एक नंबर आदमी है भाई। और सीतापुर के लिए, हमारे विधानसभा सीतापुर के लिए वही आ रहे हैं, और एक नंबर आदमी हैं, और काम उनका मिलनसार आदमी है, और उनके काम एक नंबर काम है सीतापुर में। सरगुजा संभाग को कहा जाता है, कांग्रेस पिछली बार 14 सीटें जीती थी, 14 की 14 सीटें। कहा जा रहा था कि TS सिंहदेव मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री न बना के भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने, तो इसको लेकर क्या कहना है? क्या इस बार आप अपने संभाग से कोई नाम देखना चाहते हैं, या भूपेश बघेल के चेहरे पर आप खुश हैं? देखिए, जैसे अगले बार चुनाव में जैसे इनका जो हुआ था इनके कार्यकाल में, तो ढाई ढाई साल का हुआ था जी, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, उनको नहीं दिया गया है ना। अब उनकी मैटर है कि वो दुखी हैं कि खुशी हैं, तो आने वाले समय के लिए हर किसी को चांस दिया जाए जी। यहाँ से लगातार चार बार जीते हैं, लेकिन अभी बीजेपी कह रही है कि हम इस बार जीतेंगे, लेकिन आप क्या सोचते हैं इस बार, क्या बीजेपी जीतेगी इस बार? नहीं भैया, बीजेपी तो नहीं लीड करेगी यहाँ से, आज तक कभी भी जब से देश आज़ाद हुई है दो बार निर्दलीय बनी है यहाँ से। नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ, ये राज्य की बात कर रहा हूँ। सीतापुर विधानसभा तो सुनिए, नहीं नहीं नहीं,
कांग्रेस की गढ़ है तो कांग्रेस की गढ़ है, लेकिन आप राज्य में किसका चेहरा देखना चाहते हैं? राज्य में देखिए वो अपना वो लोग तय करते हैं जो हाईकमान है वो, तो भाई वो तो हम लोग तो भाई अब हमारे लिए भूपेश बघेल भी अच्छे हैं और टी एस बाबा भी अच्छे हैं और हाईकमान जो तय करेगी वो हम लोग मान्य है, हम लोग को हम लोग पार्टी वो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे हैं हमारे विधायक भी अच्छे हैं, हर जगह विकास तो हुई है। और क्या कोई घर घर तो मतलब खाना पहुंचाएगा नहीं, घर में तो मुंह में कोई डालेगा नहीं चावल किसी का, है ना? बाकी और जगह की अपेक्षा हमारे यहाँ ठीक है, ऐसा नहीं है, मिलनसार है हमारे विधायक बहुत अच्छे। रोजगार की यहाँ पे सुविधा कैसी है? चूंकि ये क्षेत्र में ज़्यादातर देखा जाता है कि अलग अलग राज्य में नौजवान काम करने के लिए खाने कमाने जाते हैं, तो यहाँ पर रोजगार की स्थिति कैसी है? यहाँ के रोजगार की स्थिति बहुत अच्छा है, हमारे गाँव में ही इतना काम है, अब भाई जिनको नहीं बनता वो चले जाते हैं, अलग बात है। रोजगार यहाँ का कोई कमी नहीं है, रोजगार का पूरा सरकार की तरह योजना है, ये इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी क्या है जल परियोजना का कई ठो कार्यक्रम है, आवास योजना का लाभ मिला है आप लोगों को? हाँ मिला है ना। हाँ सर, इसका हमारा बढ़िया अच्छा से प्रोग्राम आप लोग बढ़िया काम कर रहे हैं। नहीं, नहीं, वो नहीं पूछ रहा हूँ, आवास योजना जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो घर 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 बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है वो घर मिला आप? थोड़ा आवास वाली सीतापुर में 1700 अभी आवास योजना मिली है, 1700 लोगों को घर मिला है यहाँ पर और सबको आवास की सुविधा मिल रहा है। और रही बात अभी जब से कोरोना काल आया तब से हमारे जो भी विधायक मंत्री जी हैं तब से अभी तक सबको फ्री चावल दे रहे हैं और सब घर घर चावल उनको पहुँचाने का जिम्मा है। सब पूरा जब से कोरोना काल आया वो कोई भी बीजेपी वाले उनके आगे पीछे नहीं आए, लेकिन ये घर घर जाकर उनका हर चीज़ पहुंचाया, हर सेवा किए और किसी को भूखा नहीं मरे, जो जहां फंसे थे उनको अपने घर पहुंचाए और मतलब कोई भी उनसे अपेक्षित नहीं हुआ, जो उनसे इच्छा था वो उन पूरा की उन्होंने। यहां पे किसानों की हालत कैसी है? बहुत अच्छी है, एक नंबर है। कौन कौन सी खेती होती है यहाँ? धान की खेती है, कटोरा है धान का खेती, एक नंबर समझे। रहर है, मकई है, मक्के दाना, और यहाँ हाँ तिलहन भी होता है, रहर हो गया, और सबसे ज़्यादा यहाँ धान की खेती है, यहाँ के छत्तीसगढ़ को धान की कटोरा कहते हैं। जी खुश है किसान ना? ये यहाँ किसान एकदम खुश हैं और हमारे भूपेश बघेल भी क्या कहते हैं और हमारे अमरजीत भी हैं, भूपेश हर खाते में उनके खाते में 3,000, 5,000, 4,000 हमेशा हर महीने आ ही रहा है। पाँचवें बार विधायक बनेंगे वो अमरजीत? 100% दिखाई, 100% बनेंगे पांचवें बार, 100% कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है, गारंटी है। जी सर, उसके टक्कर में देने वाला कोई है ही नहीं बीजेपी में, सीधा सीधा बात है। आज वो क्या कहते हैं हमारे अमरजीत भैया क्या कहते हैं खाद मंत्री है, आने वाले समय में वो गृह मंत्री के दावेदार है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है। मुझे ये बताइए गौठान, बीजेपी कह रही है कि गौठान योजना में भ्रष्टाचार हुआ है करोड़ों का, यहाँ की स्थिति कैसी है गौठान की, ये बताइए? गौठान देखिए हर जगह गौठान चल रही है और जहाँ भी गाय वहाँ पर सब जो डालते हैं वहाँ पर गाय उनको चारा दाना मिल रही है गौठान में, वो कोई भी गाय भूखे नहीं मर रही है। इससे पहले बीजेपी सरकार थी तो उस समय का हालत देखिए, हर जगह का जितने मैंने गौशाला था गाय कितने मर रही थी वो हम लोग अपने आंखों से देखा है, जितने गाय मरती थी जिसका कोई दाना नहीं है और उनका खुद वो मतलब इनका रक्षक है, गौ रक्षक है, लेकिन उनका कोई रक्षा नहीं होता था। आज जो इनको दाना पानी सब मिल रहा है सब बढ़िया गौठान चल रहा है। हम आप ही के क्षेत्र सीतापुर की बात की जाए, लेकिन यहाँ पर कल रविवार को इतना बड़ा अस्पताल हम देखे, लेकिन कल वहाँ कोई था नहीं? नहीं, अस्पताल में ये अपनी 100 बेड का भी सीट घोषित होने वाला है, घोषित हो गया है लेकिन अभी उसका प्रोसेस चल रहा है, अभी हो सकता है अभी इस कार्यकाल में 100 बेड का हो जाएगा। ठीक है, 100 बेड की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन हम कल जब रविवार था, सर खैर छोड़िए रविवार सरकारी छुट्टी है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी को तो होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर कोई था नहीं। हर समय वहाँ रहते हैं डॉक्टर का, हर समय वो ड्यूटी लगी होती है, हर डॉक्टर वहाँ पर रहते हैं, मौजूद रहते हैं, आप हो सकता है वहाँ पर नहीं पहुँच पाए होंगे। नहीं, ऐसी नहीं, कल इंजेक्शन लगाने हम लोग गए थे वहाँ पर, थे नहीं वहाँ पे, सिर्फ दवाई वहाँ पे एक डॉक्टर थे। कमी है ये सीतापुर में हॉस्पिटल में, हमारे कहा कहते हैं कमी है ना। आपके क्षेत्र के स्वास्थ्य मंत्री आपके क्षेत्र तो कभी नहीं कहते आप अमरजीत जी से कि भाई हमारे अभी टी एस बाबा का चल नहीं रहा है, सौ बात का एक बात है, उनका चल नहीं रहा है,
और दूसरा चीज ये है कि ना यहाँ पे सोनोग्राफी है ना एक्सरे है ना कुछ नहीं है, मानते इस चीज को एकदम मानते हैं 100% मानते हैं अस्पताल में कोई सुधार नहीं। हमने कल देखा है वहाँ जाके अस्पताल की हालत, आधा रात को चले जाइए मरीज मर जाएगा, वही देखा वहाँ के अस्पताल में गंदगी भी बहुत ज्यादा गंदगी है ना यहाँ आपका क्या बोलते हैं शुगर का तो मान लीजिए चलिए आम बात है, एक्सरा नहीं है, सोनोग्राफी नहीं है, सिटी स्कैन नहीं है, सब चीज़ होना चाहिए ना, इतना बड़ा सिटी है होना चाहिए, लेकिन हमारे माननीय श्री टी एस बाबा जी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इसमें। देखिए स्वास्थ्य मंत्री संभाग से आते हैं, अंबिकापुर से वो विधायक है, यहाँ से सीतापुर से वर्तमान में कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत यहाँ से हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर यहाँ के लोगों की शिकायत, और साफ तौर पर हमने कल देखा वहाँ जाकर, खुद वहाँ पे हमने निरीक्षण किया जाकर, बाथरूम की हालत देखे वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी, डॉक्टर भी नहीं थे वहाँ पे, रात को डॉक्टर नहीं रहते हैं भैया, जाइए उनके दरवाजा खटखटाइए तो उसके बाद आते हैं, उतना तक एकाध मरीज पहुँच जाते हैं ऊपर, जो रात में अगर आ गए ना पेशेंट सीरियस पेशेंट तो हरियर ऐसा है, हॉस्पिटल में सुधार नहीं है, नहीं है सीधा सीधा बात, इतना बड़ा अस्पताल है लेकिन कम से कम उसमें सुविधाएं देनी चाहिए, आप बेड भले बढ़ा दीजिए लेकिन डॉक्टर अगर नहीं होगा तो मरीज करेगा क्या, मरीज तो कभी भी आ सकते हैं ना, मरीज लटोरी पहुंच जाएगा भैया तो। ये वास्तविक स्थिति है, लोगों का मानना है कि अमरजीत भगत यहाँ से इस बार फिर से चुनाव जीतेंगे, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर इनकी शिकायत साफ तौर पर यहाँ पे दिखाई दे रही है। फिलहाल और लोगों से हम बात करेंगे, सीतापुर में इस बार बोल रहे हैं कि पांचवी बार अमरजीत भगत जीतने वाले हैं, क्या लगता है इस बार? मेरे को तो नहीं लगता है कि जीतने वाले हैं, ऐसा क्यों? इस बार प्रोग्रेस नहीं हुआ है, प्रोग्रेस नहीं, लोग तो कह रहे हैं कि सड़कें बनी है, पानी की व्यवस्था अच्छी है, कहाँ बना है सड़कें, धूल उड़ रही है इधर, किधर आपको दिख रही है ना, दिख रही है बाकी लोग, ये चोर है। अच्छा तो इस बार किनको जिताएंगे? हम जो भी, क्योंकि एक भी बार यहाँ पे जीती नहीं है क्या छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में ऐसा एक जगह है जहाँ सीतापुर विधानसभा सबसे गंदा, जो यहाँ पास सबसे ज़्यादा नेतागिरी होता है, लेकिन कभी जिंदगी में यहाँ पास कभी रोड ना अच्छा, कोई सड़क ना गली कहीं नहीं बना, ना बिजली की व्यवस्था, ना पानी, कुछ भी नहीं है, है ना। तो ये अमरजीत भी आया लेकिन क्या किया, मंत्री भी बन गया, क्या किया, कुछ नहीं, खाद्य मंत्री है, संस्कृति मंत्री है, दो पार्टी में से एक पार्टी आए, या आम आदमी पार्टी या तो फिर भाजपा, भाजपा या आम आदमी आम आदमी कांग्रेस नहीं आना चाहिए, आम आदमी पार्टी से लगाओ, लगाओ है मेरा, मैं उससे ज्वाइन हूँ। अच्छा, मैं उसका 15 वार्ड का सर्कल इंचार्ज हूँ। अच्छा हाँ, क्या लगता है फिर इस बार किनको जीताएंगे, भाजपा या आम आदमी पार्टी, दोनों में से कोई भी, एक भी कांग्रेस लेकिन नहीं। मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे फिर? मुख्य मुद्दे इसमें क्या है, बिजली का, पढ़ाई का, शिक्षा का, सबसे बड़ा तो शिक्षा का है। शिक्षा कैसी है बताइए जरा, आज मान लीजिए आप बच्चे लोग का पढ़ाई जो है प्राइवेट का है ना, तो प्राइवेट में क्या है, कुछ खास नहीं है, सिर्फ नाम के लिए प्राइवेट है, पढ़ाई उतना होता नहीं है। आत्मानंद है यहाँ पे, आत्मानंद है देवगढ़ में, तो हम तो गरीब बच्चों, देवगढ़ में गरीब बच्चों को अंग्रेजी सिखा रहे हैं, आत्मानंद स्कूल खोल दिए, तो ये देवगढ़ में है आत्मानंद स्कूल, एक ही स्कूल सीतापुर में नहीं है, देवगढ़ में, मतलब सीतापुर ब्लॉक ही पड़ता है वो। अच्छा, है ना, तो देवगढ़ जस्ट 3 किलोमीटर इधर है बगल में। और रही सवाल क्या है ना, हमेशा आदिवासी लोग को लूटा, अमरजीत कुछ नहीं किया, ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ बहुमत, बहुमत क्या है, आदिवासी का ही बहुत बहुमत है, लेकिन रही सवाल क्या ना, ये आदिवासी लोग को ही बेवकूफ बनाया है जी। सिर्फ क्या करता है बताऊँ, खाने पीने के लिए देता है, साड़ी बांट दिया, इनाम बांट दिया, किसका पैसा बांटा, उसके बाप के घर से तो लाया नहीं था, पब्लिक का ही पैसा ना, जो जो GST वगैरह जो काट के रखते हैं वही सब, या पब्लिक का ही पैसा वो बांटा है, किसी अपने घर से थोड़ी दिया है, उसका आया है क्या उतना, उसका कमाई है उतना क्या कि बांटे, आप ही बताओ, नहीं है। यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा भी लचर है, हम लोग कल अस्पताल में गए थे, वहाँ की स्थिति देखा है, स्वास्थ्य का बहुत गंदा स्थिति है यहाँ पर, स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य का, आपातकालीन से लेके हर चीज़, मैंने नर्स का कोई आता पता नहीं, डॉक्टर का तो पता नहीं, मैंने बहुत से ऐसा कुछ है जो सीतापुर में लचर बहुत ज़्यादा। टी एस सिंह देव जी हैं जो करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं, लेकिन रही सवाल, उनको भी तो धोखा मिला है ना, उनको भी धोखा मिला, अगर वो छत्तीसगढ़ में सीतापुर विधानसभा चाहे अंबिकापुर सरगुजा जिला से मुख्यमंत्री अगर होते तो आज सीतापुर ऐसा नहीं होता। हम लगातार सीतापुर में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ एक बाबा है, कहाँ से है बाबा आप? राजोटी चट्टान पर है जी। स्थिति क्या है, क्या लगता है इस बार अमरजीत भगत जीत पाएंगे?
मेरे ख्याल से तो मुश्किल है जैसे लगता है। मुश्किल लग रहा है? लोग तो कह रहे हैं यहाँ पे कि इस बार पांचवी बार मारेंगे भाई। मार सकता है हाँ, उसका रैली जो अभी जोरदार चल रहा है ना। अच्छा अच्छा, बताइए आपके गांव में सुविधा कैसी है? वहाँ पे आवास योजना, पानी की व्यवस्था, बिजली पानी सब ठीक ठाक है? सड़क सड़क ठीक है, पानी भी अपने से बना है। क्या काम करते? किसानी करते हैं। किसान अच्छा मिलता है कि किसान जो सरकार जितनी योजनाएं चला रही है उसमें पैसा वैसा आता है? हाँ पैसा बढ़िया आता है। हाँ आवास योजना मिला आप? हाँ मिला आवास योजना। घर बना है? पक्का घर बना? जी बना है। पेंशन मिलता है? हाँ पेंशन मिलता है। नहीं मिलता? मिलता है। मिलता है ना जी। क्या लगता है बीजेपी यहाँ पर कभी जीती नहीं तो इस बार आप क्या क्या कह रहे हैं? मुश्किल लग रहा है तो बीजेपी इस बार आएगी? नहीं, कोई बोलते हैं कि बीजेपी जीतेगा, कोई बोलते हैं कि कांग्रेस जीतेगा, कोई देखो कौन जीतता है। हाँ। है ना। हाँ। तो इस बार मुद्दे क्या रहेंगे, क्या सोचकर आप वोट देने जाएंगे बताइए? क्या आपके मन में रहेगा ताकि जिनको भी आप वोट देने जाएंगे क्या उम्मीद कर रहे हैं उनसे? उनसे अभी हम लोगों को सोच सहमति नहीं हो पाया है। अच्छा। हाँ नहीं, कुछ तो सोचा होगा कि क्या 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 इसका सोच? हम सोच विचार कर लेंगे एक बार। पानी सड़क अच्छी होनी चाहिए, क्या मन में ऐसा तो कुछ होगा भाव? बिजली ठीक चल रहा है ना, अभी भी और एक तार लग रहा है अभी बिजली का, पहले 2 फेस था अभी 3 फेस लग रहा है। स्वास्थ्य केंद्र की हालत कैसी है? अस्पताल अस्पताल ठीक ठाक? उस स्वास्थ्य केंद्र ठीक है? स्वास्थ्य केंद्र तो हमारे ही है, सीतापुर च है। आते हैं यहाँ? पर्याप्त इलाज होता है? अच्छे से होते हैं यहाँ इलाज? अरे देहात लोगों को कभी बढ़िया करते हैं कभी नहीं करते हैं, देहाती देहात का समझ जाते हैं। जैसे कभी अचानक से आ गए तो डॉक्टर रहते नहीं रहते? इलाज पानी ठीक ठाक? हाँ वही, कभी रात में आते हैं तो कभी चले जाते हैं, कभी कोई नहीं रहते हैं। अच्छा। हाँ देखिए यहाँ पे खास तौर पर लोगों की नाराजगी स्वास्थ्य को लेकर है, बाकी जितना भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों को मिल रहा है ऐसा लोगों का कहना है। फिलहाल और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। हम इस समय मौजूद हैं सीतापुर में और हम यहाँ पे लोगों की प्रतिक्रिया जान रहे हैं कि आखिरकार उनके विधायक जो वर्तमान में भी मंत्री भी है उन्होंने कितना कुछ कामकाज किया है। हमारे साथ युवा साथी है, भाई साहब क्या नाम है आपका? दिलमोहन। मोहन बताओ आपकी उम्र कितनी है अभी फिलहाल? 17। 17 साल? अभी तो आप वोट भी नहीं डाले, यहाँ की स्थिति क्या? काम क्या करते? पढ़ाई करते हो आप? हाँ। कहाँ पढ़ाई करते हो? सीतापुर में बॉयज स्कूल। स्कूल जाते हो? कॉलेज जाते हो? अभी सीतापुर में पढ़ रहा था, कॉलेज जाता हूँ अभी। अच्छा, स्थिति कैसी है कॉलेज की ये बताओ? अभी ठीक ठाक है, ज़्यादा तो नहीं आता हूँ मैं, कभी कभी आता हूँ। नहीं फिर भी बाहर टीचर है नहीं है, पढ़ाई ठीक ठाक होती है, कभी जाते हैं तो? हाँ ठीक ठाक होता है। इस बार क्या लगता है कौन जीतेंगे? ब्रजमोहन भैया सॉरी अमरजीत जी जीतेंगे या फिर कोई दूसरी पार्टी को आप लाने की सोच रहे हैं? नहीं पता। हाँ क्या लगता है क्या 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 मुख्य मुद्दे होने चाहिए, क्या 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 यहाँ की स्थिति है बताइए? सड़क बिजली पानी स्वास्थ्य सुविधा कैसी है यहाँ की? ठीक ठाक तो है। हमारे साथ और भी कुछ युवा चेहरे हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है कृष्णा कुमार गंधर्व। कृष्णा यहाँ की स्थिति कैसे है ये जरा बताइए। पांचवी बार इस बार बोल रहे हैं कि ब्रजमोहन सॉरी अमरजीत भगत जीतने वाले हैं। क्या लगता है इस बार मुख्य मुद्दे क्या होंगे? ये इलेक्शन का टाइम है, अब इसमें हम कह नहीं सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। वैसे उनकी जो लहर है वो बहुत अच्छी खासी चल रही है और मेरे को यहाँ दो साल हो गए यहाँ रहते हुए सीतापुर में। आप कहाँ से हो? मैं कवर्धा से हूँ। जी कवर्धा से हूँ। क्या काम करते हैं आप? यहाँ मैं एयरटेल में इंजीनियर हूँ। अच्छा। जी तो मेरे को 2 साल हो गए यहाँ रहते हुए और 2 साल में मैंने उनका जो काम वाम देखा है और मेरे को अच्छा लगा है उनके जो वर्क उन्होंने यहाँ किया है। हाँ बहुत सारे काम हैं जो अच्छा करते हैं, मेल जोल जो उनका अच्छा है, किसी भी लोग से मिलना जुलना, किसी भी लोग का कुछ भी परेशानी है उनको सुनना, तो जहाँ तक है उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और लगभग लोगों का यही चाहते हैं कि अमरजीत भगत ही आए फिर से। अब ये चुनावी इलेक्शन है, देखा जाए कौन बनेगा क्या बनेगा। आप कहाँ से? मैं बिलासपुर लोरमी। हाँ यहाँ आप क्या काम करते? मैं भी टेलीकॉम में हूँ, इंजीनियर हूँ एयरटेल।
कैसी स्थिति यहाँ की जरूर बताइए। स्थिति तो सही है पर कुछ दिन और ध्यान देना पड़ेगा, जैसे यहाँ सिटी का रोड हो गया, रोड को नया बनाना चाहिए, एनएच अपने बाईपास हो रहा है तो बस रोड का ही रहना चाहिए, रोड सिटी थोड़ा अच्छा रहे है ना, लगातार हो, जब यहाँ का है मंत्री है खाद्य मंत्री है तो बाकी वही है सब चीज़, लोग तो बोल रहे हैं बदलाव चाहिए, अब देखो क्या होता है। टेलीकॉम का काम कर दे, कहाँ कहाँ तक नेटवर्क है यहाँ पे स्थिति कैसी है? हाँ एयरटेल का बहुत अच्छी स्थिति है। यहीं बस की और ग्रामीण क्षेत्रों में जाने पर क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में कम है हल्का, पर बाकी तो नेटवर्क स्पीड एयरटेल हाई स्पीड है अभी यहाँ। हाँ सीतापुर सिटी में फास्ट है, 5G भी हो गया है, सभी है नेटवर्क की स्थिति तो यहाँ सही है, बाकी आसपास के लोग भी अच्छे हैं करते हैं, यहाँ तो मेरे को 5 साल हो गया। कम्युनिकेशन ठीक ठाक है? हाँ कम्युनिकेशन सही है, लोग भी यहाँ का सही अच्छे हैं, व्यवहार सब सारी अच्छे हैं, जैसे लोकल गांव हैं तो सारी स्थितियाँ सही हैं। अब लोग का तो बोलने का है मुद्दा कि तरह तरह के मुद्दे हैं यहाँ, क्या चाहते हैं अब देखो क्या होता है ना, विपक्षी मुद्दा है कौन आ रहा है, अभी राम कुमार टोप्पो का चल रहा है भाजपा से, देखो अभी टिकट का उसका तो फिक्स नहीं हुआ, फिर देखो क्या होता है आगे। इधर बताइए कैसे काम कैसे करते हैं आप लोग, टेलीकॉम का जो काम है वो किस ढंग का करते हैं, इधर बताइए। हमारा फाइबर लाइन का काम रहता है। अच्छा। हाँ फाइबर केबल जो डले रहते हैं अंडरग्राउंड, उसका मेंटेनेंस का। हाँ जी हाँ ऑप्टिकल फाइबर, उसी का काम है हमारा, उसका मेंटेनेंस का काम रहता है हमारा जी। ये मुख्य ब्रांच है क्या यहाँ? ये अपना मुख्य ब्रांच इसका जो है बिलासपुर में है, हमारा छत्तीसगढ़ का दो ब्रांच है यहाँ पे, एक एरिया है रायपुर एरिया है और एक बिलासपुर एरिया है, तो उसमें छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं, जैसे बहुत बैंकें होते हैं ना, बैंक में छोटे छोटे शाखाएं होती हैं ब्रांचेस होती हैं, वैसे ही एक है अपना यहाँ पत्थलगाँव, तो उसी के बेस पर हम लोग यहाँ काम करते हैं। हाँ दोनों बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। खैर आप लोग इस विधानसभा से रही लेकिन जो जानकारी दी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आके रहते हैं अपने काम को लेकर, उनका भी कहना है कि यहाँ पे लहर है उनकी, अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव के बाद जो नतीजे सामने आते हैं क्या कुछ होता है।